जो किसान ने अगे आना चाहते हैं बैरीकेडिंग है वह तोड़ी जा रही है। किसानों वालों पानी के मुद्दे को लैके किसान जो ने बैरीकेडिंग पार करना चाहते हैं, जिवें तुसी तस्वीर देख रहे हो यह पंजाब पुलिस रोक रही है। बीबिया वालों बैरीकेडिंग पार की जा रही है, पर पंजाब पुलिस लेडीज़ वह भी जोर जमाइश कर रहे हैं कि अगे ना आन दिता जाए। और पिछे देख सकते कि औरतों कुटिया गया, घड़ीसा गया और उन्होंने कुट भी पै रही है। पर यह सरकार जिहड़ियां पिछलिया सरकार वांगू आउंदियां ते आईयां, कोई बदलाव का ना नहीं इत्थे आया गा। तुसीं देख रहे हो कि बैरीकेडिंग तोड़ दिती गई है किसानों वालों, बैरीकेडिंग जो है तोड़ दिती गई किसानों वालों। किसान जो ने अगे वध रहे ने, तुसीं तस्वीरां देख रहे हो। आ पक्कां साडियां लाइयां गईयां, अन्ने तों लाठी चार्ज किया गया, बैरीकेडिंग असी की करना है। पंजाब के पाणियां नूं पंजाब के हक मंगण लई अपनी राजधानी के विच चले आ, पंजाब पुलिस ये तसद्दद कर रही आ। ये माड़ा पंजाब की जिहड़ी नवीं सरकार बनी आ, असी निखेधी करदे इस चीज़ की। एक जिहड़ा पंजाब सरकार नूं मैमोरेंडम देण जा रहे सी, पंजाब पुलिस ने बैरीकेडिंग करके साडे ते लाठी चार्ज किया, पग्गां लाइयां गईयां, साडियां मातावां दे कपड़े तक पाड़ गए। ये असी निखेधी करते पंजाब सरकार जी। अज भगवंत मान कहता सी असी, मैं किसानों का बेटा किसानों के नाल आ, मजदूरों का बेटा मजदूरों के नाल आ। अज एसी कंपनियों के बैठ के फरमान जारी कर रहा भी अन्ने तुन लाठी चार्ज करो, इन दिल्ली की चंडीगढ़ के एंटर ना होने दो। जिहड़ी सरकार कहती सी पंजाब की धरती से कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा साढ़े आँदे, पंजाब की धरती से इन्हों की सरकार बनी अजे 90 दिन होया। 90 दिनों चो मेरा ख्याल एक दिन भी इदा का नहीं जिस किसी मजदूर ने किसी किसान ने किसी सरकारी अफसर ने चैन का सह लैके आने वाली असी अपने भविख में अपने बच्चों की दे के जावे भी बच्चे असी थोड़ा पानी खत्म कर दिता, मामा के पुत मरवा दिते, इन्होंने सारा कुछ कर दिता। पर भगवंत मान सरकार की निखेधी करते हैं। अज ये सरकार बिल्कुल लोकतंत्र का घाण हो रहा, लोगों के लिए नहीं बनी, सिर्फ साम्राज्य पार्टियां लिए बनी आ, कारपोरेटा के हकों लिए बनी आ, साडे लिए सरकार नहीं बनी है। पंजाब की किसी भी सियासी पार्टी के एजेंडे ते नहीं भी पंजाब का पानी किवें बचाउणा। 1947 तो पहला जिहड़ा पानी राजस्थान नूं जांदा सी उहदी रॉयल्टी लई जांदी सी, पर इन्हां सरकारां ने आपस विच ही गठजोड़ करके अज रॉयल्टी खत्म कर दित्ती आ, ते पंजाब दे किसे भी सरकार दे एजेंडे ते पंजाब दे पानी दी गल नहीं। भगवंत मान तैयार हो जा, अं 56 इंच वाले का सीना संघाड़ता सी, तू साडे मूहरे कोई चीज़ नहीं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। इस पंजाब ने साडियां 10-10 पीढ़ियां पालियां, जे एक पीढ़ी सानू पंजाब की खातर देनी पऊ, खुशी खुशी फांसी दे रस्से, खुशी खुशी गोलियां इन्हां दीआं हिक्कां दे विच असीं खाण नूं तैयार हाँ, पर पंजाब दे नाल गदारी जिहड़े करनगे उन्हां कुत्तियां नूं पंजाब दे विच नहीं रहण देवांगे। सारे डैम पूरे मुल्क दे भाजपा ने केंद्र सरकार ने अपने कंट्रोल च कर ले, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट चो पंजाब नूं बाहर कढ़ता। पंजाब दे दरिया, पंजाब दीआं नहरां ते पंजाब मर्जी नाल पाणी नहीं छड्ड सकदा गा। हुण इस तों बाद धक्का होर की होऊगा। 780 करोड़ रुपया नहरां नूं पक्कियां करन वास्ते, ओह नहरां दे तले लोकां नूं दुर्मटां दे थौड़ियां दे नाल आप भन्नणे पैणे आ। जे धरती हेठ पंजाब दा पाणी पंजाब दी धरती हेठ नहीं वड़न देणा गा, इह किधर दा इनसाफ होगा, इह किधर दी जिहड़ी हैगी आ सियाणप होगी जो मान सरकार कर रही है। उन्होंने कहा सी मूंगी खरीदांगे, बासमती खरीदांगे, अज दी खबर ही है ना 83% मूंगी प्राइवेट प्लेयर ने खरीदी आ, ते बासमती कहता PAU दे विच बोलदिआं भगवंत मान जी ने कि असीं बासमती खरीदांगे। पंजाब दे बजट दे विच एक अक्षर नहीं बासमती दी खरीदण वास्ते। पंजाब दी किसानी सिर 1,00,000 करोड़ रुपए तो उपर करजा, ते खेती लई किन्ना रख्या 11,650 करोड़ रुपया, ते उहदे चों 6,947 करोड़ रुपया सिर्फ खेती मोटरां वाली सबसिडी आ। ते किसानी दे करजे माफ़ी बारे एक भी लफ्ज़ नहीं बोलिया। जिहड़े कई लख टन दाल हर साल कनेडा तो आउंदी आ इंडिया दे विच, उदों इह ट्रूडो दी फर्द देखदे आ। पंजाब दे किसानां दीआं फरदां मंगियां कि ट्रूडो दीआं फरदां देखियां सी, जदों कनेडा तो दाल आउंदी आ जां होर मुल्कां तो जिहड़ी दाल आउंदी आ। 70% इस मुल्क दी दाल बाहरों आ रही आ। जे कई अरब डॉलर पैसा बाहरों दाल खरीदने लई दित्ता जा सकदा, इस मुल्क दे किसान नूं क्यों नहीं दित्ता जा सकदा गा। जो किसान ने अगे आना चाहते हैं बैरीकेडिंग है वह तोड़ी जा रही है किसानों वालों पानी के मुद्दे को लैके, भगवंत मान नाल गलबात करना चाहते हैं, मुद्दे रखना चाहते हैं असल पंजाब दे, क्योंकि पानिया के नाल नाल खेती भी संकट विच है। खेती के नाल नाल जड़े परिवारों ने खुदकुशियां कर लिया ने, वह परिवार भी अज संकट विच ने, जिसनों लैके अज किसान जो है
वह चंडीगढ़ वाले पास जाना चाहता है। मुद्दा एक ही है, पंजाब के पानियों को लैके क्यों नहीं, पंजाब के पानियों को लैके उसका मालकाना हक दिता जा रहा। किसान जो ने बैरीकेडिंग पार करना चाहते हैं, जिवें तुसी तस्वीर च देख रहे हो, ये पंजाब पुलिस रोक रही है। जो पहली बैरीकेडिंग की गई है, तुसी तस्वीर देख रहे हो, ये पंजाब पुलिस पहली बैरीकेडिंग उत्ते रोक रही है। उस तो अगे चंडीगढ़ प्रशासन की बैरीकेडिंग है। जदों पंजाब यूनीवर्सिटी का मुद्दा सी तां पंजाब पुलिस ने पहले भी विद्यार्थी रोके सन, तो विद्यार्थियों ने कहा सी कि पंजाब नाल साडा कोई मसला नहीं, असी चंडीगढ़ देण जाना चाहते हाँ। पर अज फिर किसानों ने रोकया गया है, अज दोबारा फिर किसानों ने रोकया गया। खेती संकट की जो गल होंदी है उस उपर भी बजट सैशन दौरान चर्चा नहीं हुई, पानिया के मुद्दे को लैके चर्चा नहीं हुई कि किदां खेतों तक पानी पहुँचेगा और सरकार इस पानी को पहुँचाने वास्ते किहड़े कदम पुट रही है। वाटर रीचार्ज की गल होवे, वाटर रीचार्ज को लैके, पानिया के रीचार्ज को लैके भी कोई गलबात नहीं की गई। बीबिया वालों बैरीकेडिंग पार की जा रही है, पर पंजाब पुलिस लेडीज़ वो भी जोर जमाइश कर रहे हैं कि अगे ना आन दिता जाए। तुसी जिवें देख रहे हो कि असं ये कहना चाहते कि साडा जिहड़ा धरना सी किरती किसान यूनियन वालों शांतमई सी, रोस मुजहरा करके मंग पत्र देना सी। असीं तां इत्थे तक भी कहा सी कि भगवंत मान दा जो सैशन चल रहा उस तो 12 बजे तो फ्री हो गए आ, तो सानू इन्नी नौबत नहीं सी आउणी साडे तो अंब साहिब गुरद्वारे जाके ये मंग पत्र लै लैंदा तां। और ये उत्थे आए ने जिहड़ा रवैया इहदा वो पहलां वालीआं सरकारां वाला वा, और पिछे देख सकदे किदां औरतां नूं कुट्टिया गया, कड़ी सह गया और उन्हां ने कुट भी पै रही है। पर यह सरकार जिहड़ियां पिछलियां सरकार वांगू इउंदियां त्यों ही आ, कोई बदलाव का ना नहीं इत्थे आया गा। तुसी देख रहे हो कि बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है किसानों वालों, बैरीकेडिंग जो है तोड़ दी गई किसानों वालों। किसान जो ने अगे वध रहे ने, तुसी तस्वीर देख रहे हो कि किसान जो ने वह अगे वध रहे ने। बैरीकेडिंग पंजाब की जो है वह तोड़ दी गई है, पंजाब पुलिस की पहली बैरीकेडिंग जो है वह तोड़ दी गई है। तो किसान जो है वह अगे चंडीगढ़ वाले पास आ रहे हैं, मुद्दा पानिया लैके है। जोड़े पानिया की अज तो कई साल पहला सियासी लड़ाइया भी लड़िया गई, सियासतदान फेल हो गए, पर लोग जो ने पानिया लैके चर्चा करना चाहते ने। बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है, तो अगर जो किसान है वह वध रहा। तुसी जो अगे जो अगे बैरीकेडिंग है वह चंडीगढ़ प्रशासन की है, पहली बैरीकेडिंग जो है वह तोड़ दी गई है, पहली पंजाब की बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की बैरीकेडिंग तुसी देख रहे हो, पहली पंजाब की बैरीकेडिंग तोड़ दी गई है। अगली जो बैरीकेड किया हो चंडीगढ़ प्रशासन का, पंजाब पुलिस ने बैरीकेडिंग की ज़्यादा चंडीगढ़ दे सी गल रखने वास्ते, पंजाब पुलिस ने क्यों रोकया? देखो जी, पिछे भी जो विद्यार्थियों ने यूनीवर्सिटी बचाने एक जरा चंडीगढ़ जाने की कोशिश की, उदो भी पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। अज भी साडे बजुर्ग बाबे मातावां भैणां साडे नाल सी, आ पग्गां साडियां लाईयां गईयां, अन्ने तों लाठीचार्ज किया गया, बैरीकेडिंग असी की करना है। पंजाब के पानिया नूं पंजाब के हक मंगण लई अपनी राजधानी के विच चले आ, पंजाब पुलिस ये तशद्दुद कर रही है। ये माड़ा पंजाब की जिहड़ी नवीं सरकार बनी आ, असी निखेधी करते इस चीज़ की, जिहड़ियां सरकारां लगातार इदां दे काम कर रही, पहलों अध्यापकां दे लाठीचार्ज, किसानां ते मजदूरां ते। 3 साल केंद्र की सरकार ने सानू 1 साल 13 दिन उत्थे जिहड़ा दिल्ली के बार्डर से बिठा के साडियां छीतियां करवाइयां। अज जिहड़ी सरकार असी पंजाब के पानियां नूं बचाउण दे लई एक जिहड़ा पंजाब सरकार नूं मेमोरेंडम देण जा रहे सी, पंजाब पुलिस ने बैरीकेडिंग करके साडे ते लाठीचार्ज किया, पग्गां लाईयां गईयां, साडियां मातावां दे कपड़े तक पाड़ गए। ये असी निखेधी करते पंजाब सरकार, जे अज भगवंत मान कहिंदा सी असी, मैं किसानां दा बेटा किसानां दे नाल आ, मजदूरां दा बेटा मजदूरां दे नाल आ, अज ओह एसी कंपनियां दे विच बैठ के फरमान जारी कर रहा भी अन्ने तुन लाठीचार्ज करो, इहनूं दिल्ली दी ते चंडीगढ़ दे विच एंटर ना होण दिओ। ये असी पंजाब सरकार की निखेधी करते हाँ, तो मुर्दाबाद कहिंदे पंजाब सरकार नूं। भगवंत मान ने कहा सी जदों सत्ता विच सरकार बन गई कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होएगा, किसी नूं धरने लाने की लोड़ नहीं पैनी, यह कहे गए सी पहला।
सत्ता चाहन तो पहला सत्ता चाहन तो पहला वादे तो बहुत सी किते मैं मुलाजम पक्के करूंगा मैं इस तरह करूंगा पर अज जड़ा तकलुकी फरमान जड़े जारी कर रहे अंदर एसी कमरों के बैठ के लगातार पंजाब की धरती से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जे अज असी अपनी चंडीगढ़ के राजधानी के जा रहे थे तो सानू रोकया गया लाठीचार्ज किया गया जिहड़ी सरकार कहिंदी सी पंजाब की धरती से कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा साडे आउंदे पंजाब की धरती से इन्हां दी सरकार बनी नूं अजे 90 दिन होया 90 दिनों चो मेरा ख्याल एक दिन भी इदा का नहीं जिस किसी मजदूर ने किसी किसान ने किसी सरकारी अफसर ने चैन का सह लेके लगातार जोड़े गैंगवार हो रहे बड़े जोड़े गैंगस्टर है जेलों के बिच बैठ के जोड़े है लगातार एक गैंग का रूप दे रहे पंजाब के सिंगर पंजाब की नौजवानी अच भी मुझे गल करिए एक होर भी भगवंत मान ने गलबात कही थी कि पंजाब के वास्ते वह हर एक चीज़ करेंगे और कहते भी किसान है भगवंत मान ने कहा बार बार कि खुद किसान किसान की तकलीफा समझते हैं कि किसान की समस्या की है उस समस्या को हल करेंगे यह भी वादा किया भगवंत मान ने। पंजाब का जोड़ा एक अहम मुद्दा पानी आ जे पानी ना बचा तो असी की करांगे आने वाली पीढ़ी को जवाब की देवे पंजाब की धरती के उत्ते 14 लाख ट्यूबवैल ला के जोड़ा पंजाब की धरती के बच्चों पानी अन्ना तुन कड़ रहा जोड़ा पंजाब का पानी आ 51% जोड़ा है यह राजस्थान दे रहा तो सरकार ने जी अज की पार्लीमेंट के लैके आता 780 करोड़ रुपया जी राजस्थान नहर जा रही आते बार्डर प्रूफिंग करने के लिए 780 करोड़ रुपए का जोड़ा है बजट रखा जोड़ा पंजाब एक तुपका भी नहीं देन दे रहे तो पंजाब का जोड़ा जरखेज पानी आ 14 लाख ट्यूबवैल ला के धरती के हेठों क्ढी जा रहा तो नहरी पानी का प्रबंध साढ़े खेतों के हो बेनती करते पंजाब सरकार जो पानी ना बचा की करांगे आने वाली असी अपने भविख में अपने बच्चों की दे के जावे भी बच्चे असी थोड़ा पानी खत्म कर दिता मामा के पुत मरवा दते इन्होंने सारा कुछ कर दिता पर भगवंत मान सरकार की निखेधी करते हैं। अज ये सरकार बिल्कुल लोकतंत्र का घाण हो रहा लोगों के लिए नहीं बनी सिर्फ साम्राज्य पार्टियां लिए बनी आ कारपोरेटा के हकों लिए बनी आ साडे लिए सरकार नहीं बनी है। भगवंत मान समझते हैं जो मैं एक सवाल किया कि किसान कहते हैं अपने आप को मैं किसान हाँ पीटर के मच्छरदानी सुनते रहे खुद बाबा जिक्र करते रहे हो जे उन्हूं पंजाब दा फिकर हुंदा पिछे जे पंजाब दे किसानी नहीं तुसी मीडिया वाले ने कवर किया अबोहर फाजिलका दे विच 7 एकड़ जिहड़ा किसान दा जिहड़ा हैगा बाग सी उह बाग किसान पट्टण नूं मजबूर हो गया। जे पंजाब दा पुत हुंदा किसानां दा पुत हुंदा तां इह गल ना हुंदी उह बाग पट्टण नूं मजबूर ना हुंदे इह वोटां लैण दी बारी इन्हां ने कहा भी असीं किसानां दे मजदूरां दे पुत आ पर इह बिल्कुल किसानां ते मजदूरां दे उल्ट वग रहे ने असीं तां सिर्फ भगवंत मान सरकार तो पंजाब दा पानी मंग रहे हैं होर कुछ तो नहीं मंगया होर कुछ नहीं मंगया जे किसान दा पुत हुंदा ते इहनूं पंजाब दे पानी दा फिकर हुंदा। अज 500 फुट बोर हो रहा जलंधर ते कपूरथला जिहड़ा डार्क जोन चाह रहा जे भगवंत मान सरकार नूं फिकर हुंदा ते किसान दा पुत हुंदा तां इह गल्लां ना हुंदियां पहल दे आधार ते पंजाब दे पानीयां दा हक पानीयां दा हक पंजाब नूं दबाउंदा ना कि दूजियां स्टेटां नूं। दिल्ली तो पैसे भी लेने बनते हैं अलग अलग सूबे तो अथॉरिटी में लैनी मंगती है उस उपर कोई भी चर्चा नहीं होंगी भी कोई भी सियासी लीडर गलबात नहीं कर रहा जो पंजाब का इन्ना पानी चला गया उस उपर जो पैसे की गल है देखो जी ये पंजाब की किसी भी सियासी पार्टी के एजेंडे ते नहीं भी पंजाब का पानी किमें बचा 1947 तो पहला जिहड़ा पानी राजस्थान नूं जांदा सी उहदी रॉयल्टी लई जांदी सी पर इन्हां सरकारां ने आपस विच ही गठजोड़ करके अज रॉयल्टी खत्म कर दित्ती आ ते पंजाब दे किसी भी सरकार के एजेंडे ते पंजाब दे पानी की गल नहीं सिर्फ कारपोरेट पक्षी आ ये जिहड़े बिसलेरी किले बेचते हैगे आ पानी कारपोरेट जिहड़े कारपोरेट घराने ये आने वाले दिनों च गंभीर संकट जिहड़ा पंजाब की धरती के उत्ते पानी का होगा जे सूबे को पानी हो सूबा अमीर होगा जे पानी नहीं तो कल नहीं ये असी समझते हाँ। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अज तो 550 साल पहला पवन गुरु पानी पिता का नाम दिता सी पानी नूं पिता का दर्जा दिता सी अज असी अपने पिता नूं बचाउण की खातर अपनी राजधानी चले सी पर इन्हां ने सानूं रोकिया बैरीकेडिंग की साडियां पग्गां तक लाईयां गईयां निखेधी करदे इस निकम्मी सरकार की असी इत्थे पानी
ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵੈਸੇ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਊ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੋਊ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਸਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਘੁੱਟੇ ਗਏ, ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ 56 ਇੰਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੁੰਗਾਇੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜੋਰਟੀ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦਰਦ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 10-10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਭੱਜਣ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਖ਼ਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਰੋਕ ਸਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 73% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਕਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨਹੀਂ, 5200 ਅਤੇ 2 ਡੈਮ ਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਡੈਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ। ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
पानी वाले इशू से 5 जुलाई की सानू मीटिंग दिती है। जे मीटिंग नहीं भी करनगे, जे कर भी देंगे तां भी मसला हल होने तक लड़ाई रहिंदी है, जे नहीं करनगे तो लड़ाई साड़ी जिहड़ी हैगी आ उह जारी रहनी है जद तक पंजाब दे पानियां दा मसला रिपेरियन सिद्धांत मुताबक नहीं हल हुंदा। लुधियाने की इंडस्ट्री पंजाब नूं कतल करना नहीं बंद करती, वह लुधियाने की इंडस्ट्री पट के बाहर सिटनी पैनी है पंजाब के लोगों नूं। जे वह पंजाब के सतलुज जहर सिटना बंद नहीं करती, पंजाब नूं मारना बंद नहीं करती, तो जिहड़ा 780 करोड़ रुपया इन्होंने लाया, 780 करोड़ रुपया नहरों नूं पक्कियां करन वास्ते, ओह नहरां दे तले लोकां नूं दुर्मटां दे थौड़ियां दे नाल आप भन्नने पैणे आ। जे धरती हेठ पंजाब दा पाणी पंजाब दी धरती हेठ नहीं वड़न देणा गा, इह किधर दा इनसाफ हो गया, इह किधर दी जिहड़ी हैगी आ सियाणप हो गई जो मान सरकार कर रही है। तुसीं गल करोगे फिर 780 करोड़ रुपया दिता क्यों है, तुहाडी मीटिंग जे 5 जुलाई नूं फिक्स हो गई है कि गल रखोगे कि गल इस उपर रखोगे कि क्यों नहीं पंजाब नूं मालक बनाया जांदा पाणियां दा, इह चर्चा करोगे फिर? असीं सारियां गल्लां करांगे और मान साहब नूं याद करवावांगे कि वह जदों पंजाब दे पानियां च यूरेनियम की गल आई सी ते फरीदकोट साडे नाल मुजहरा करके आए आ, वह मुजहरे का स्टेज सैकटरी स्पीकर कुलतार सिंह संधवा सीगा, असी भी मुजहरा करी सी ते भगवंत मान भी मुजहरा करी सी कि पंजाब दे पानियां च यूरेनियम आ गया। यही मान साहब 2010 दे विच अबोर फाइलका दे पिंडा च जांदे आ कि एक पिंड च जिथे 200-200 विधवा औरत बैठी आ, जिथे 80-80 अपंग बच्चे बैठे है, पंजाब तक खत्म वाले पासे तुर पिया अबोर फाइलका इलाके तो, उत्थे जाके मान साहब खुद भावुक हुंदे रहे आ। ते अज मान साहब ने सत्ता च आके ये किया कि बोर फाइलका दियां नहरां बंद करतियां ते बाग पट्टण वास्ते मजबूर हो गए। ये सारियां गल्लां असीं मान साहब नूं याद करवावांगे और जिहड़ा बजट दे विच 21 करोड़ रुपया रीचार्ज करन लई और 780 करोड़ रुपया रीचार्ज रोकण लई पंजाब दी किसानी दा, उन्होंने कहा असीं मूंगी खरीदांगे बासमती खरीदांगे, अज दी खबर ही है ना 83% मूंगी प्राइवेट प्लेयरां ने खरीदी आ, ते बासमती कहता PAU दे विच बोलदिआं भगवंत मान जी ने कि असीं बासमती खरीदांगे, पंजाब दे बजट दे विच इक अक्खर नहीं बासमती दी खरीदने वास्ते, एक धेला नहीं रखा गया, इहदा मतलब सिर्फ इश्तहारबाजी ही करनी है कि पंजाब फसली विभिन्नता इदा आऊगी इस तरह दी गैर जिम्मेवार गल्लां नाल आऊगी। पंजाब दी किसानी सिर 1 लाख करोड़ रुपए तो उपर करजा, तो खेती लई किन्ना रखिया 11,650 करोड़ रुपया, तो उहदे चों 6,947 करोड़ रुपया सिर्फ खेती मोटरां वाली सबसिडी आ। तो किसानी दे करजे माफ़ी बारे एक भी लफ्ज़ नहीं बोलिया, पंजाब दे किसान मर रहे आ, खुदकुशियां कर रहे करजे दे जकड़ जाल दे विच। जे पंजाब दा खेती मॉडल भी बदलना, पंजाब दे किसानां दा झोने तो खेड़ा छड़ाउणा, तां पंजाब दे किसानां नूं कर्ज मुक्त करना पऊगा। झोने दा दित्ता रहेगा सी अल्टरनेटिव कि मूंगी बीज लो MSP चक्कांगे, भगवंत मान दी खुद स्टेटमेंट हैगी है वी झोने दी जगह ते असीं बदलाव देवांगे खेतीबाड़ी नूं लैके, जां खेती फसलों नूं लैके बदलाव दिंदे रहिंदे, उह कहिंदे ने मूंगी बीजो। हाल ते आ आम आदमी दी ना, तो ये आम सरकार आ ते ना ही इहदे च आदमी वाली कोई गल, जे आदमी वाली गल होवे ते कह के खड़न उस गल ते। पहलां क्या मूंगी बीजो 83% प्राइवेट ने खरीदी और जो किसान लैके उन्हें कहा भी 5 किलियां तो वध नहीं किसी की खरीदनी, फर्द नाल लैके आओ 25 क्विंटल तो वध किसी तो मूंगी नहीं खरीदनी गी। जेडे कई लख टन दाल हर साल कनेडा तो आउंदी आ इंडिया दे विच, उदों इह ट्रूडो दी फर्द देखदे आ, पंजाब दे किसानां दीआं फर्दां मंगियां कि ट्रूडो दीआं फर्दां देखियां सी जो कनेडा तो दाल आउंदी आ जां होर मुल्कां तो जिहड़ी दाल आउंदी आ, 70% इस मुल्क दी दाल बाहरों आ रही आ। जे कई अरब डॉलर पैसा बाहरों दाल खरीदने लई दित्ता जा सकदा, इस मुल्क दे किसान नूं क्यों नहीं दित्ता जा सकदा गा, पंजाब दा झोने तो क्यों नहीं खेड़ा छड़ाया जांदा गा। यह खेती मॉडल पंजाब नूं बर्बाद करन वाला और यह सरकार मॉडल बदलना नहीं चाहुंदी, सिर्फ झोने दीआं तरीकां ही अग्गे पिछे। मेरा आखिरी सवाल है कि 5 जुलाई नूं जे मुद्दे हल हो गए प्रोटेस्ट नहीं करोगे, जो नहीं हल होए जो भगवंत मान कहते भी ठीक है देखा अगर डेट पा देंगे अगे जाके करांगे मुजाहरा करोगे कि एवं कंटिन्यू लड़ाई रहूगी? असं चाहते हैं कि पंजाब की सरकार जिन्हां लोगों पर राज कर रही है उन्होंने जिंदगी लिए जद्दोजहद करे, पंजाब दे पानी पंजाब तो धक्के नाल खोए गए, पंजाब दी मान सरकार इस गल ते आवाज़ उठावे कि पंजाब दे पानियां दा फैसला बई गलत होया, रिपेरियन सिद्धांत दे मुताबक करो, पंजाब दी सरकार रोके लुधियाने दी इंडस्ट्री नूं जिहड़ा जहर पिया रही आ, पंजाब दी सरकार सारे खेतां तक नहरी पानी 12 महीने 30 दिन देवे, मोगिआं दे मुड़ च रीचार्ज पॉइंट बनावे तां कि धरती हेठ पानी जिहड़ा रीचार्ज ओह कीता जा सके, पंजाब सरकार डैम सेफ्टी एक्ट नूं रद्द करन दा मता लियावे असैंबली दे विच और जिहड़ियां इहनां दे करन काम करे जेड़े सेंटर नाल पंजाब दे लोकां नाल इलाके पंजाब सरकार सेंटर दे खिलाफ आओ, इन्हां नूं कोई लड़ाई वढ़िए पंजाब नूं बचाइए, नहीं तां पंजाब बर्बादी दे राह तुर गया। तुसीं कह रहे हो कि बी टीम है भाजपा दी लड़नगे दिल्ली नाल भगवंत मान, ये साबित करन
कि असी बी टीम नहीं, असी साबित कर चुके कि बी टीम हैगी आ, भावें पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला, भावें BSF अंदर आने का मामला हैगा, भावें कश्मीर तो 370 खत्म करने का मामला, सारिया भाजपा वाली नीतियां जिहड़े हैगे चले आ, यह साबित करन कि असी पंजाब दे आ, पंजाब नाल खड़ांगे, भाजपा दे असी खिलाफ हाँ। तुसीं सारी गल बस सुनी है, 5 जुलाई नूं जो है वह मीटिंग दी गई है, 5 जुलाई में भगवंत मान के नाल मीटिंग होएगी, पानियां दे मुद्दे नूं लैके जे मसले हल हुंदे ने ठीक है, नहीं तो लड़ाई जो है वह लंबी जाण दी तैयारी में बैठे ने किसान, तो इत्थे धरना जो है खत्म हो रहा 5 जुलाई की मीटिंग उत्ते जाके, तो 5 जुलाई में देखांगे कि मीटिंग दे विच कड़े कड़े मुद्दे होणगे, कि अगे हल करन वास्ते पंजाब सरकार कदम पुट्टूगी कि सारी ये बयानबाजी तक ही सीमित होकर रह जाएगा।